मैं काशनाथ हूँ, छठी कक्षा का छात्र हूँ। आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आजादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। तब से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के शब्दों में हिंदी हमारे अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य, हम उसे तहे दिल से अपनाना है। हिंदी की महत्व की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मुख्य अतिथि है श्री अशोक जी, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं सह आचार्य है। उनके शब्दों को सुनिए। सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हिंदी दिवस है, भारत के लिए गौरव का दिन। आज से बहुत साल पहले 1949 सितंबर 14 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का पद दिया था। मित्रों, तब से लेकर पूरे भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भारत की सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में 1953 में वर्धा की हिंदी प्रचारिणी सभा ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाए। तब से लेकर भारत में हिंदी दिवस मनाने की परंपरा आने लगी और इस सिलसिले में पूरे देश में, देश के हर विश्वविद्यालय में, देश के हर स्कूलों में, देश में सरकार की तौर पर और विदेशों में भी जहां जहां हिंदी प्रेमी बसते हैं वहां हिंदी दिवस मनाने की परंपरा आने लगी। मित्रों, आप जानते हैं हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है। स्वतंत्रता के समय हमारे भारत देश को जोड़ने का सम्मोहक कार्य हिंदी ने किया था। ऐसे हम कह सकते हैं कि हिंदी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने की बड़ी भूमिका रची थी और इस सिलसिले में नरवान मूड के चिन्मया विद्यालय के छात्र और वहां के हिंदी अध्यापिका सिंधु जी और वहां के प्राचार्य महोदया ललिताम्बिका जी और उप प्राचार्य स्मिता बोस जी ने हिंदी दिवस के सिलसिले में जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो हिंदी के प्रति, देश के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। इस समय मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, आपके प्रेरणात्मक शब्द हमारे स्कूल के बच्चे जरूर कार्यान्वित करेंगे। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह तक मनाने का निर्णय कर ली है। प्यारे बच्चों, हर एक दिन में हर एक प्रतियोगिता है, भाग ले और पुरस्कार प्राप्त करें। सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।